नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए मैं एक खास वीडियो लेके आया हूँ, तो बने रहना शुरू से लास्ट तक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं रेलवे परियोजना जो उत्तराखंड में चल रही है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए आज आपको सुरंग के अंदर क्या चल रहा है, हमारे साथ है राहुल जी, उनके साथ हम अंदर चलेंगे और बताएंगे आपको क्या क्या अंदर चल रहा है आज। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट। दोस्तों ये सामने आपकी यहाँ पे है सुरंग और हमने अंदर निकलना है और देखते हैं अंदर अभी चल क्या रहा है, क्या क्या काम चल रहा है अंदर। ये बाहर का नजारा है यहाँ का, यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ हम अंदर की ओर चल रहे हैं जहाँ पे आपको पहले नंबर की वार्निंग दिखेगी, खतरा ब्लास्टिंग क्षेत्र। बिना पूछे यहाँ अंदर आना सख्त मना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ की वीडियो बता रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आपका अच्छा सहयोग बना रहेगा वीडियो में, तो बने रहना शुरू से लास्ट तक, काफ़ी खास होने वाला आज का ये वीडियो। तो हम टनल में आ चुके हैं और तकरीबन अभी हमें जाना है 1500 मीटर के करीबन अंदर, यानी कि ये मान लो 1.5 किलोमीटर अंदर तक गाड़ी लेके जाना है। तो गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हो 17 से 20 के बीच रहती है अंदर। तो कच्ची रोड है, पक्की तो है नहीं, खैर जी कच्ची रोड पर चलना पड़ता है। तो अंदर जाके आपको बताएंगे कि अंदर अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है और पूरी प्रोसेस मतलब क्या होती है, दिन भर का शेड्यूल क्या होता है, 24 घंटे में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि डे नाइट काम चलता रहता है यहाँ पर 12 घंटे एक शिफ्ट में और 12 घंटे दूसरी शिफ्ट में। तो क्या क्या करते हैं पूरा काम आपको बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें अभी आपको बताते हैं फिलहाल कि अभी फिलहाल अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों सीधा मेन जगह पर जाके ही आपको वह चीज़ बताते हैं। यहाँ पे हमारे वर्कर वगैरह बैठते हैं, यहाँ पर वो गुल्ली बनाते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक की स्टिक में जो है, प्लास्टिक की पन्नी में जो है कि यहाँ पर क्रेशर है, इसको भरते हैं जो कि ब्लास्ट में काम आता है, यानी कि जब होल करते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस भी आपको बताएंगे। जहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करें हैं वहाँ से आपको बता दें कि एक साइड आपकी पानी की लाइन जाती है और दूसरी साइड आपकी बिजली की लाइन, और साथ में लगी हुई है सारी LED लाइट ताकि अंदर जो है सुरंग में जो है उजाले की कमी ना हो, तो किसी भी काम को करते वक्त जो है कोई दिक्कत ना हो। और बीच में जा रही है आपकी रोड और किनारे किनारे बनी है आपकी नालियाँ, जो भी ऊपर से पहाड़ का पानी आता है सुरंग के अंदर तो वो नालियों में साइड हो जाता है, उसके बाद उसे पंप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है ताकि सुरंग के अंदर जो है कीचड़ वगैरह ना हो। और यहाँ पर यह है छोटा सा पॉकेट, यानी कि यहाँ पर गाड़ियाँ बैक होती हैं, जब जैसे मैं गाड़ी अंदर लेके आ गया तो गाड़ी बैक करने को इतनी जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है गाड़ी बैक करनी पड़ती है। जैसे बड़ी गाड़ी आ गई, जैसे सामने आपका मिलर भी आ रहा है, बड़े ट्रक जो अंदर आते हैं तो उन्हें बैक होने की जगह नहीं होती है, तो इस वजह से जो है वैसे छोटे छोटे पॉकेट बोलते हैं उसको, पॉकेट ही बोलते हैं ना, ट्रॉली बोलते हैं उसको, हाँ ट्रॉली या पॉकेट या ऐसी बोलते हैं यहाँ तक, यहाँ पर जो मैंने सुना है। तो ये देखिए सामने से मिलर आ रहा है, इसके अंदर क्या था, कंक्रीट, देखो कितनी स्पीड में लेके आ रहे हैं यहाँ से, और ये सीधा आपका बाहर जाएगा। काफी प्यारा लग रहा है, आपको लग रहा है या नहीं लग रहा? और बाई चांस अगर सुरंग में आग वगैरह लग गई तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर भी मौजूद है, और ये पैनल है बिजली का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं किसी भी मशीन का, यहाँ से उसके लिए बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं, बिजली उपलब्ध करा सकते हैं पैनलों की मदद से, और ये आपकी बिजली की लाइनें जा रही हैं। तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत होता है, अगर इनकेस अगर बिजली का तार कटता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इस पर हाई वोल्टेज करंट होता है, ये नॉर्मल घर का करंट नहीं होता कि या MC आपकी ट्रिप हो जाए, हल्का झटका लगे, अगर इस पर किसी ने टच भी कर दिया तो फिर उसकी समझो क्या बोले, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी काफी अंदर है जाने को, और अंदर आप देख सकते हो धुंध है एकदम, मतलब आप देख सकते हो कि धूल के कण आपको साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, कितनी भयंकर धूल पड़ रखी है अंदर, काम चल रहा है क्योंकि फेस पे मतलब चेहरे पे नहीं, जो काम वाला फेस जो वाला। यह उपकरण दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है बूस्टर, यह जो है बिजली को बढ़ाने का काम करता है, जब बिजली अंदर जाते जाते कम हो जाती है तो उसको ज़्यादा करने का ये काम करता है। पहले मुझे भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब मुझे पता है कि ये बिजली को बढ़ाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि देखो इस पाइप से जो है पानी आ रहा है, यहाँ पर टैंक रखा हुआ है, इसमें पानी है, तो ऐसी टैंक जो है बीच बीच में बना रखे, तो पानी जाएगा आपका वो वहाँ तक सामने तक, ये पानी है ये देखो यहाँ पर, और ये ऐसी नालियाँ हैं
साइड में बन रखी, यहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं इनको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्सावेटर जेसीबी खड़ी है। यहाँ पर देखो कितनी हाइट रहती है इसकी और टनल के अंदर कितनी छोटी सी लग रही है। देखिए इतनी बड़ी ये टनल है जितना ये एक्सावेटर है। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है और सामने भी काम चल रहा है। अभी हम अंदर ही लिए आ गए हैं गाड़ी को, इतनी अंदर लाते नहीं है वैसे, लेकिन हम लेके आ चुके हैं। यहीं पे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी और यहीं पे खड़ी करते हैं गाड़ी और आगे लिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस मशीन का नाम है टैली हंटर यहाँ पर, और ये है शॉर्टकट मशीन आपकी। और इसके अंदर जाए अगर मैं ये भी हमारे खतरनाक खिलाड़ी यहाँ के, ये मशीनें भी बाहर निकल रही है और इसके ऊपर बैठे तो इसका भी अलग ही मजा है। यहाँ से दिखाएं, देखिए कहाँ आपकी टनल लगेगी और कितनी हाइट में हम यहाँ पर, यहाँ से हम पूरा काम कर सकते हैं ऊपर का। ये देखिए इतनी हाइट पे हम टनल की, तो इसके ऊपर आने का मजा ही कुछ और है। देखिए मैं अभी टैली अंडर मशीन के ऊपर हूँ। यहाँ पर स्पेस है इतना खड़े होने का, यहाँ पर मैं खड़ा हो रखा हूँ और ऊपर से कैसा नज़ारा दिख रहा है आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से लगभग मैं नीचे ज़मीन से 2.5 से 3 मीटर की हाइट पर हूँ और देखिए ऊपर से कैसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है और यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है, मैंने जैकेट पहन रखा है और ज़्यादा गर्म हो रहा है। देखो मैं एक्सेलेरेटर की हाइट के ठीक ऊपर हूँ, देखो यहाँ से जो है एक्सेलेरेटर ऊपर जा रहा है और हम जा रहे हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों हम भी आगे की ओर निकल रहे हैं अभी फिलहाल। और हमारे ऑपरेटर साहब लिए चल रहे हैं हमको आगे की ओर। ये देख सकते हो आप सामने जो है एक्सेवेटर आप फेस पे जाएगा और वहां अपना काम करेगा जो भी उसका काम है, और सभी लोग अपने काम पे लगे हुए हैं तो ऐसे ही कुछ काम चलता रहता है अंदर। आज मैंने आपको बताया ऊपर हाइट से कैसी दिखती है टनल। ये देखो मैं एकदम फ्लोर के पास पे खड़ा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर जो है हवा, ताज़ी हवा बाहर से अंदर की ओर लाई जाती है और ये हवा जा रही है आपकी सीधे डायरेक्ट यहाँ फेस तक। वहाँ पर लोग काम करते हैं तो उनको जो है प्रॉपर बाहर की हवा, ताज़ी हवा मिलती रहे और कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए जो है ये डक्ट पाइप लगाया जाता है और इसके अंदर जो है ताज़ी हवा बाहर से अंदर की ओर आती रहती है। और यहाँ पर हमारे ऑपरेटर साहब अंदर बैठ रखे हैं, मज़े ले रहे हैं हमारी ओर देख रहे हैं और इन्होंने हमें इतना ऊपर तक इस मशीन के माध्यम से यहाँ तक जो है आपको ये दृश्य दिखाने का जो है अथक प्रयास किया है। तो चलिए अब उन्हें बोलेंगे नीचे कर दो इसको और नीचे चलते हैं ज़मीन पे। ज़मीन के अंदर हम हैं लेकिन यहाँ पर भी एक ज़मीन है नीचे वाली, तो नीचे सतह पर इसको लिए चलते हैं। तो चलिए कर दो नीचे कर दो। ये देखिए अब जो है नीचे कर रहे हैं इसको, तो देखो हम काफ़ी हाइट से नीचे क्यों उतर रहे हैं और हम आ गए हैं नीचे। ये देखिए दोस्तों